अ कॉन्ट्रैक्ट इज़ एन एग्रीमेंट एंड इज़ गवर्न बाय द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट. तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एक एग्रीमेंट होता है जो कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के थ्रू गवर्न होता है. और आपको पता है कि इंश्योरेंस भी एक क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है, जो कि कैसा कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट. तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट उस पर एप्लीकेबल हो जाएगा. वो एक्ट कौन सा है, दैट इज़ 1872. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्कमैन कंपनसेशन इंश्योरेंस एक्ट, वो कौन सा होगा आपका, 1923, 1982, 1979 या फिर आपका 1962. सो आंसर विल बी 1923. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोटर व्हीकल एक्ट, मोटर व्हीकल एक्ट कौन सा होगा आपका, सो आंसर इज 1939. देखिए कोई ना कोई एक एक्ट आपसे, एक दो एक्ट्स पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, ज़रूर पूछे जाते हैं इंश्योरेंस में. सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन वॉज एस्टैब्लिश्ड इन, तो डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन कब है, 1962. तो याद रखिएगा, जनरली मोटर व्हीकल हो गया, वर्कमैन कंपनसेशन हो गया, ये सब 1923-39 ये सब एक्ट में आते हैं. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट हम पहले भी पढ़े हुए हैं, तो 1872 वो तो पता है, और डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन 1962, इसे DICGC बाद में कहा जाने लगा, डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी एंड कॉर्पोरेशन करके, तो दैट इज़ 1962. इसके अलावा हमने LIC का देखा 1956. तो इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट है जो याद रखेंगे आप. FPR मीन्स, तो FPR जो एब्रीवेशन है वो किसका है, तो FPR का एब्रीवेशन है फर्स्ट प्रीमियम रिसिप्ट का, राइट. इसी तरह पूछा जाता है TAC किसका, इसका ये एब्रीवेशन किसका है, तो TAC टैरिफ एडवाइजरी कमिटी है उसका है. तो इस तरह से चीज़ें पूछी जाती हैं, तो कुछ इन चीज़ों को भी ध्यान में रखेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिफर्स टू द राइट ऑफ एन इंश्योरेंट टू रिफ्यूज एडमिटेंस ऑफ द क्लेम बाई द इंश्योर्ड. तो आप बताइए वो प्रोसेस क्या है जिस प्रोसेस में इंश्योरर रिफ्यूज़ कर देता, मना कर देता है इंश्योर्ड को, जो पॉलिसी होल्डर है उसको क्लेम देने से, राइट. तो इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर्ड मतलब पॉलिसी होल्डर को क्लेम करने से मना कर रही है, इस चीज़ को आप क्या कहोगे, रेप्लिकेशन, रेपुडिएशन, डेफिकेशन या नन ऑफ दीज. सो आंसर विल बी रेपुडिएशन. तो रेपुडिएशन मतलब ये होता है कि रेपुडिएट करना, मना करना, डिनाई करना कि मुझे करना ही नहीं ये चीज़, तो दैट इज़ रेपुडिएट. तो यहाँ पे इसे क्या कहेंगे, रेपुडिएशन कहेंगे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डैश इज़ अ वॉलंटरी टर्मिनेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट बाय द पॉलिसी होल्डर. अब जो इंश्योर्ड है ना, इंश्योर्ड मतलब पॉलिसी होल्डर, इंश्योर्ड ने खुद ही कह दिया कि वो कॉन्ट्रैक्ट उसको आगे कंटिन्यू नहीं करना, मतलब अब वो पेमेंट करना, प्रीमियम पे करना बंद कर दिया है ना. जैसे अगर आप लगातार प्रीमियम पे करना बंद करेंगे तो पॉलिसी लैप्स हो जाती है. तो अब आप अपनी पॉलिसी को बंद करवाना चाह रहे हो, खुद से ही टर्मिनेट कर रहे हो, तो इस चीज़ को क्या कहेंगे, दैट इज़ कॉल्ड सरेंडर्स, राइट, सरेंडर. और कवर नोट समझिए, कवर नोट क्या होता है कि जो पॉलिसीज़ होता है उसके पहले पॉलिसीज, आपकी जो इंश्योरेंस पॉलिसी आप ले रहे हो उसके रिगार्डिंग जो भी टर्म्स वगैरह हैं वो उसके रिगार्डिंग जो आप नोट बना के देते हो, दैट इज़ कवर नोट. ये पहले ही आपको प्रोवाइड किया जाता है. नेक्स्ट देखते हैं, इफ़ द इंश्योर्ड डाइज बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म ऑफ द पॉलिसी इज़ नोन एज. तो जो इंश्योर्ड है मतलब पॉलिसी होल्डर, वो आपकी पॉलिसी के ओवर होने से पहले, एक्सपायर होने से पहले ही उसकी डेथ हो जाती है, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहते हैं डेथ क्लेम. ठीक है, फोर क्लोजर मतलब सारे प्रीमियम्स आपने पहले ही पे कर दिए है ना, मतलब जो आपका टाइम पीरियड है कि इतने साल तक प्रीमियम पे होंगे करेंगे उसके बाद होगा, तो दैट इज़ फोर क्लोजर कि आपने सब कुछ पहले ही कर लिया. ठीक है, नेक्स्ट द टर्म एश्योरेंस रिफर्स टू, एश्योरेंस का जो ये टर्म है वो किसके रिगार्डिंग है, राइट. देखिए एश्योरेंस में क्या होता है कि इंश्योरेंस आपका, आपको पता है एश्योरेंस में बेसिकली क्या हो जाता है, आप फाइनेंशियल जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करने वाले हो आप ऐसी चीज़ के लिए कर रहे हो जो कि सर्टेन है, मतलब एक ऐसी चीज़, एक ऐसा लॉस जो कि सर्टेन है, अनएक्सपेक्टेड लॉस नहीं है, एक्सपेक्टेड लॉस है, मतलब आपको सर्टेन है कि ये चीज़ होगी होगी, एंड दैट इज़ व्हाट योर मतलब लाइफ डेथ. तो यहाँ इसीलिए एश्योरेंस का जो टर्म होता है वो कहाँ इस्तेमाल होता है, लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस में. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एश्योरेंस दी जाती है, एक्सपेक्टेड लॉस है, पता है कि डेथ होगी, सर्टेन है, तो उसके रिगार्डिंग जो चीज़ होती है दैट इज़ एश्योरेंस, राइट. नेक्स्ट देखते हैं, जनरल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइज कब हुआ, तो जनरल इंश्योरेंस बिजनेस हुआ 1972 में. अब जनरल इंश्योरेंस बिजनेस 1972 मतलब जितने भी जनरल इंश्योरेंस पॉलिसीज़ हैं वो इसको गवर्न करेंगी, राइट, 1972 में. अब देखिए 1872 क्या था, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट था, और जनरल इंश्योरेंस कितना हो गया 1972, वहीं पे LIC कितना हो गया 1956 हो गया. ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है इन चीज़ों को याद रखिएगा. नेक्स्ट देखते हैं, डैश इज़ द टोटल प्रीमियम दैट अ पॉलिसी होल्डर पेस.
तो जो पॉलिसी होल्डर टोटल प्रीमियम पे करती है उसको क्या कहेंगे, एवरेज प्रीमियम, पार्शियल, ग्रॉस प्रीमियम, ऑल? सो आंसर इज ग्रॉस प्रीमियम. तो पॉलिसी होल्डर अपनी पॉलिसी के लिए जितना भी प्रीमियम पे करी है टोटल, उसको हम ग्रॉस प्रीमियम कहते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. डैश मीन्स अ प्रीमियम विच रिमेन्स अनचेंज थ्रू आउट द लाइफ ऑफ अ पॉलिसी. तो जब तक पॉलिसी की लाइफ है, जब तक उसका टाइम पीरियड है, तब तक वो प्रीमियम का अमाउंट अनचेंज होता है, मतलब उसमें कोई चेंज नहीं होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, दैट इज कॉल्ड लेवल प्रीमियम. राइट, नेक्स्ट देखते हैं. अ मिसिंग पर्सन विल बी प्रिज्यूम टू बी डेड ओनली आफ्टर, अगर किसी के अगेंस्ट डेथ मतलब लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है, तो उस केस में अगर वो मिसिंग है तो हम कब मानेंगे कि उसकी डेथ हो गई है, अगर वो 7 ईयर्स तक मिसिंग ही रहता है तो. सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. डैश इज अ राइट गिवन टू द लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर टू अपॉइंट अ पर्सन और पर्सन टू रिसीव द बेनिफिट अंडर द पॉलिसी इन केस इट बिकम्स डेथ, बिकम्स अ डेथ क्लेम. अब देखिए, ये बात कर दी जा रही है कि एक ऐसे राइट की जो पॉलिसी होल्डर को मिलता है कि अगर इन केस डेथ क्लेम होता है, मींस पॉलिसी एक्सपायर होने से पहले ही पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है, इस सिचुएशन में उस पॉलिसी का जितना भी बेनिफिट है वो किसको रिसीव कराया जाए. तो हम जब जिस पॉलिसी में ये बेनिफिट देते हैं कि आप किसी पर्सन का नाम दे दो कि डेथ क्लेम के केस में उसको वो सारा बेनिफिट दे दिया जाए, उसे उस पर्सन को हम क्या कहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड नॉमिनेशन. ठीक है, नॉमिनेशन इज़ अ राइट. तो और वो पर्सन जिसको जो बनाया जाता है, दैट इज़ नॉमिनी. तो नॉमिनेशन क्या है, वो राइट है जो दिया जाता है. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. डैश इज़ अ ट्रांसफ़र ऑफ राइट, टाइटल एंड इंटरेस्ट ऑफ द लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी टू अ पर्सन और पर्सन्स. अब देखिए, वहाँ तो नॉमिनेशन, नॉमिनेशन मतलब पॉलिसी होल्डर वही है जिसने पॉलिसी ली हुई है. ठीक है, और अगर डेथ क्लेम हो गया, मतलब पॉलिसी एक्सपायर करने से पहले उसकी डेथ हो गई, तब के केस में उसे नॉमिनेशन कहते थे कि हम उस किसी और को ये बेनिफिट देने का राइट दे दे रहे हैं कि आप बेनिफिट इसको दे दीजिएगा, तो हम उसे नॉमिनेशन कहें. लेकिन अब कह रहे हैं कि पूरी टाइटल, राइट, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का पूरा इंटरेस्ट अगर किसी पर्सन या पर्संस को ट्रांसफ़र किया जा रहा है. ठीक है, ऐसा नहीं है कि डेथ क्लेम का केस है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के केस में, ऐसा नहीं है कि ये डेथ क्लेम का केस है कि मतलब एक्सपायरी और क्लेम आ रहा है इस वजह से ट्रांसफ़र हो रहा है, ऐसा नहीं कहा गया. आप राइट, टाइटल, इंटरेस्ट अपनी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का ट्रांसफ़र कर रहे हैं किसी पर्सन को, तो इस चीज़ को हम बोलते हैं असाइनमेंट. राइट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ग्रॉस प्रीमियम, नेट प्रीमियम. ग्रॉस प्रीमियम मींस नेट प्रीमियम प्लस. देखिए, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, नॉमिनेशन, क्लेम, नॉमिनी, असाइनमेंट, ये सारे टर्म्स क्लियर रखिएगा. असाइनमेंट में लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की पूरी राइट, टाइटल, इंटरेस्ट सब ट्रांसफर हो रहा है, तो उसे असाइनमेंट कह दिया. हम जैसे कहते हैं कि ये असाइनमेंट इनको मिला है, ये असाइनमेंट इनका है, तो वो हो गया. और नॉमिनेशन मतलब अगर डेथ क्लेम हो तो बेनिफिट इनको रिसीव हो. अब जिस पर्सन का नाम देते हैं, दैट इज़ नॉमिनी. ठीक है, क्लेम मतलब जब आपको, आपने जिस रिगार्डिंग पॉलिसी ले रखी है वो कंप्लीट हो जाती है और आपको क्लेम, मतलब जैसे फायर इंश्योरेंस लिया, फायर हो गया तो उसका क्लेम हो गया. अब पॉलिसी मैच्योर अगर नहीं क्लेम आपने बीच में लिया तो एक अलग बात हो गई, लेकिन अगर आपको ज़रूरत पड़ी, मतलब डेथ क्लेम हो गया, फायर इंश्योरेंस था, फायर क्लेम आपने ले लिया, हेल्थ इंश्योरेंस था, आपने हेल्थ के लिए क्लेम कर लिया, तो मतलब आपने उसकी रिकवरी ली, जिस पॉलिसी, जिस मैटर के लिए आपने लिया था उसको रिकवर किया, दैट इज़ क्लेम. ओके, सो यहाँ पे ग्रॉस प्रीमियम मीन्स नेट प्रीमियम प्लस. ग्रॉस प्रीमियम मतलब क्या होता है, जो ग्रॉस प्रीमियम आता है, ग्रॉस प्रीमियम क्या था, जितना भी प्रीमियम पे कर रही है कौन, पॉलिसी होल्डर, उसको हम ग्रॉस प्रीमियम कहते हैं. अब ये कैसे आता है, तो इसमें नेट प्रीमियम प्लस क्या इंक्लूड होता है, सो आंसर विल बी एक्सपेंसेस ऑफ लोडिंग, नेट प्रीमियम प्लस एक्सपेंसेस ऑफ लोडिंग. सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा. विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच.